राखी सावंत की मां का निधन। ब्रेन ट्यूमर के चलते अस्पताल में थी भर्ती। कई दिनों से राखी सावंत को अस्पताल में अपनी मां के पास विजिट करते हुए स्पॉट किया जा रहा था। सिर्फ यही नहीं, राखी भी अपने फैंस से गुजारिश कर रही थी कि वे उनकी मां के लिए जल्द स्वस्थ होने की दुआएं मांगे। पर किसे क्या पता था कि 28 जनवरी का दिन राखी के लिए बेहद दुखद होने वाला है। राखी पर मानो जैसे गमों का पहाड़ सा टूट गया है। राखी सावंत को हमेशा ही हर किसी को एंटरटेन करते देखा गया है, लेकिन 28 जनवरी का दिन उनके लिए बेहद ही दुखद साबित हुआ। एक्टर की मां जया सावंत का निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से राखी की मां जया सावंत टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में भर्ती थी। वे कैंसर और ब्रेन ट्यूमर से लड़ रही थी। राखी के शोहर आदिल खान दुरानी ने जया सावंत के निधन की खबर को कंफर्म किया। कई दिनों से राखी सावंत को अस्पताल में अपनी मां के पास विजिट करते हुए स्पॉट किया जा रहा था। फैंस लगातार उनकी मम्मी की बेहतर सेहत के लिए भी दुआ मांग रहे थे। सिर्फ यही नहीं, राखी भी अपने फैंस से गुजारिश कर रही थी कि वे उनकी मां के जल्द स्वस्थ होने की दुआ की मांग करें। राखी सावंत कुछ दिनों पहले जब मराठी बिग बॉस से बाहर निकली थी तो उन्हें मां की हालत के बारे में पता चला था। वह बिग बॉस हाउस से निकलकर सीधा अस्पताल पहुंची थी। यहां से राखी सावंत ने लाइव सेशन कर फैंस को अपनी मां की तबीयत के बारे में जानकारी दी थी। रो रो कर उन्होंने बताया था कि उनकी मां को कैंसर के बाद ब्रेन ट्यूमर हो गया है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके बाद राखी ने आदिल संग अपने निकाह की बात बताई थी, जो फैंस के लिए दूसरा झटका था। समय समय पर राखी उन डॉक्टर्स और साथ ही मुकेश अंबानी का भी शुक्रिया अदा कर रही थी, जिन्होंने उनकी मां के इलाज के लिए फाइनेंशियली उनकी मदद की। साथ ही राखी बताती रहती थी कि उनकी मां कितने दर्द में है। राखी ने यह भी बताया था कि उनकी मां को 2 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, लेकिन किसे क्या पता था कि 28 जनवरी को उनकी मां का निधन हो जाएगा और वह हम सभी को इस तरह अलविदा कह जाएगी।